महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सनातन सत्य ये दृष्टि विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम है और दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है रियल पुरुषार्थ। एक रिलेटिव पुरुषार्थ होता है, रियल पुरुषार्थ होता है। रियल पुरुषार्थ का संबंध हमारी आत्मा से, हमारे अस्तित्व से, हमारे प्रभु से, हमारे भगवान से, हमारे ईश्वर से, जिसको कि हमें मुक्त करना है। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है कि हमें आत्मा को मुक्त करके, इस शरीर के लिए हमेशा हमेशा से शरीर से मुक्त करके और शुद्ध शिला के अंदर वो उनको भेजना है। तो उसके लिए रियल पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके लिए हमने सनातन सत्य कार्यक्रम प्रारंभ किया है। यह कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है किराए का मकान। भाई और बहनों, हम संसार में जीते हैं क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और सामाजिक प्राणी अकेला नहीं रह सकता। मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है, सोसाइटी कहा जाता है, और पशुओं का भी समाज होता है जिसमें केवल एक मात्रा का अंतर होता है जिसको समाज कहते हैं। लेकिन मनुष्य और पशु के अंदर रात दिन का अंतर है, क्योंकि पशु भी वैसे पंचेंद्रीय है, मनुष्य भी पंचेंद्रीय है, परंतु मनुष्य के पास में डेवलप्ड सब फैकल्टीज डेवलप्ड है। डेवलप्ड इंद्रियां हैं, डेवलप्ड मन है, डेवलप्ड कर्मेंद्रियां हैं और भावेंद्रियां हैं, द्रवेंद्रियां हैं, और उसके बाद के अंदर ज्ञानेंद्रियां हैं, और डेवलप्ड बुद्धि है, डेवलप्ड चित्त है, और डेवलप्ड अहंकार भी है। जो अगर मान लो पॉजिटिव अहंकार तो अच्छा है, नेगेटिव अहंकार बुरा है, और चित्त भी है और उसकी डेवलप्ड आत्मा भी। इसीलिए मनुष्य को इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जा सकता है। इसी कारण से ही मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है, जो कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो कि हमारे सनातन सत्य का जो है वो मेन एम और टारगेट है। तो भाई और बहनों, हमें उस चीज की प्राप्ति करने के लिए ये बात मनुष्य के सामने कही जाएगी। अगर हम मुक्ति की बात को भैंस के आगे कहेंगे तो क्या होगा, ये कहावत बन गई है कि भैंस के आगे बीन बजाना, उस बीन बजाने का कोई अर्थ नहीं होगा। तो इसका अर्थ ये है कि मनुष्य को छोड़ करके किसी भी दूसरे अन्य प्राणी, 84 लाख जीवायोनि के किसी प्राणी के पास में हम मुक्ति की, ब्लिस की और सनातन सत्य की बात करेंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करेंगे, तो यूजलेस है, वेस्टेज ऑफ द टाइम है, उसका कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। इसलिए मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी होने के कारण जो है, जो विश्व के भी 7.8 अरब की जनसंख्या है, उसी के सामने विषय रखा जा सकता है मात्र। तो हम सामाजिक प्राणी हैं और पक्षियों का भी समाज होता है। देखिए, आपने कभी देखा होगा हमारे हिंदुस्तान में अभ्यारण्यों के अंदर सर्दी के समय के अंदर कुर्जा वगैरह है, वो दूसरे पक्षी आते हैं, जैसे भरतपुर का अभ्यारण्य है, ताल छापर का अभ्यारण्य, और भी बहुत सी जगह है, तो वो सब एक लाइन के अंदर चलते हैं, वो एक लाइन बना करके चलते हैं। तो वो लाइन उनका समाज है, समाज हमें सुरक्षा देता है, समाज जो हमें ख्याति देता है, समाज हमें पहचान देता है, समाज में हम कार्य करते हैं, समाज में हम पैदा होते हैं और समाज में विलीन होते हैं। यानी मनुष्य का मूल्यांकन करने वाला सब कुछ समाज ही है। अब देखिए कि व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, तो एक व्यक्ति है वो व्यक्ति से परिवार बनता है, तो जो है कुछ सदस्यों के जो समूह को परिवार कहा जाता है। परिवार रहता कहाँ है, परिवार घर में रहता है, क्योंकि देखिए हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थी और सन्यासी में बड़ा
फर्क होता है। सन्यासी हमारे बीच में से ही जाते हैं जिनका कि चारित्र मोहनीय का क्षोभ सम होता है। पूर्व जन्म में सन्यासी जिसने प्रतिष्ठा कर रखी होती है और सन्यासी का भाग्योदय होता है, ऐसे सन्यासी तो बिरले ही होते हैं। पूरी जनसंख्या का 0.01% भी सन्यासी नहीं बनते, बड़े भाग्यशाली होते हैं। वो परमार्थी होते हैं और वो परमात्मा बनने की प्रक्रिया में जाते हैं और वो फास्ट मुक्ति की ओर चलने वाले होते हैं, क्योंकि वो परमार्थ की चेतना में काम करते हैं। तो जो सन्यासी होता है उसके घर नहीं होता, उसकी रसोई नहीं होती, उसके संबंध नहीं होता है। अगर सन्यासी के सामने उसके माता पिता भी खड़े हो जाए, वो परिचय दे किसी को, तो ये कहेगा ये मेरे संसार पक्षीय माता है, ये संसार पक्षीय पिता है, ये परिचय देगा, क्योंकि वो तो सन्यासी बनते ही वसुदेव कुटुंबकम का सदस्य बन गया। पूरी सृष्टि, पूरा जो है समाज है वह उसका सदस्य है, क्योंकि वह सबको तो आत्मतुलावत समझता है, सबको एक सा समझता है। वो तो तिन्नाणम तारियाणम है, वो तरने वाला है और दूसरों को तारने वाला है। उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है और अपने ज्ञान के माध्यम से दूसरों को सम्यक दर्शन देना चाहते हैं। तो हमारा ये जो सनातन सत्य कार्यक्रम भी यही है कि हम आपको राइट विजन देते हैं, हम आपको सम्यक दर्शन देते हैं, हम आपको आत्मज्ञान देते हैं। उस ज्ञान की प्राप्ति करके जो है आप स्नेह स्नेह जो है अपने राग द्वेष को कम करते और धीरे धीरे ब्लिस की अवस्था, परमानेंट सुख की अवस्था जो कि हमारा आत्मा का लक्षण है, अनंत सुख का धाम है, उसको स्नेह स्नेह जो है प्राप्त करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त बन सकते हो। अब हमने रहने की बात की तो एक होता है हमारा स्वयं का मकान, जो हम खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री कराते हैं, या हमने प्लॉट खरीद करके अपने नाम की रजिस्ट्री करा के और हम उसके मालिक बन जाते हैं, तो वो खुद का मकान होता है। वह खुद का मकान कोई भी हमें खाली नहीं करा सकता, हम उसके स्वामी बन जाते हैं, तो वह खुद का मकान होता है। और किसी की इतनी बड़ी इनकम नहीं होती आर्थिक दृष्टि से वो खुद का प्लॉट ले ले, खुद का मकान ले ले, या बना बनाया बंगला जो है वो टूर्नामेंट्स के अंदर या जो आपके आजकल बहुत सी कॉलोनियां बनी उसमें खरीद ले, ऐसी उसके पास व्यवस्था न होती है, तो वो किराए का मकान लेता है। तो किराए के मकान में क्या दिक्कत होती है, एक तो घर का जो मकान होता है उसको हम रिनोवेट करके मनपसंद बनाते हैं, उससे हमारा और हमारे परिवार के सदस्यों का अच्छा मन लगा रहता है। और कई लोग तो पीढ़ियों दर पीढ़ियों जो अपनी पुश्तैनी जिसको वडेर बोला जाता है उसके अंदर कई दो चार पीढ़ियाँ भी निवास करती रहती है और बड़ा एंजॉय करती है। उनके सेंटीमेंट्स होते हैं, उनकी भावना होती है कि मेरे पिता का मकान है, मेरे दादा का हाथ का है, मेरे परदादा का हाथ का है, और वो हवेलियाँ बनती है। हमारे जो शेखावाटी है उसके अंदर बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं जो कि राजा की हवेली से कम नहीं है, डेढ़ डेढ़ सौ दो दो साल की, आज भी नहीं लगती है, क्यों उसमें पुराना जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस करके गुटाई हुई होती है, वो खराब नहीं होती, उसकी उम्र एवर लास्टिंग कम से कम 200-300 साल होती है। और हमारे जोधपुर का पत्थर है इसकी भी उम्र बहुत बड़ी है। यानी कहने का अर्थ होता है कि किराए का मकान जो है घर का मकान है वह हम चाहे जैसे रिनोवेट चाहे जैसे डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन किराए के मकान में विवशता है। किराए का मकान कभी भी खाली कराया जा सकता है, मालिक को थोड़ा सा ऊंचा नीचा लगे कि इसका इसने किराया जो है एक तारीख की बजाय पाँच तारीख को जमा कराया है, आपको खाली करा सकता है। और थोड़ा भी बहुत उस मालिक से अनबन हो जाती है, उस मालिक को अगर खुद के मकान की आवश्यकता होती है तो वो या कोई जो किराएदार तोड़ फोड़ कर लेता है या किराएदार का खान पान सही नहीं रहता है तो मालिक खाली करा देता है। और उसमें हम वांछित डेकोरेशन, वांछित एकोमोडेशन, हम जो रिनोवेशन अल्टरेशन एडिशन नहीं करा सकते क्योंकि वो किराए का मकान है। तो भाई और बहनों ये तो बात हुई बाह्य जगत की, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल बाह्य जगत का नहीं है, सनातन सत्य बाह्य जगत और भीतरी जगत दोनों की बात करता है, फिर दोनों को जोड़ता है।
जोड़ करके समन्वय करता है, उसको होलिस्टिक बनाता है। क्योंकि हमारा सनातन सत्य यह कहता है कि जड़ और चेतन जो दो मुख्य तत्व है दुनिया के, दोनों बिना एक दूसरे का काम नहीं चलता है और दोनों हमारे शरीर में मौजूद है। शरीर में प्रभु है जो कि चेतन है, हमारा भगवान है, ईश्वर है, हरि है, और उस हरि की जो है हमें कथा करनी। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। हमारे को ये जो जीवन मिला है वो हरि की अनंत कथा को करने के लिए, यानी जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है उसकी कथा करो। उसकी कथा इतनी बड़ी होती है, हरि की कथा आप जानते हो, कथाकार आते हैं और वो प्रभु की, भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, गीता की, रामायण की, नरसिंह मेहता की, जितने जितने बढ़ाते हैं, कितने महीनों महीनों निकाल देते हैं, वो कथा पूरी नहीं होती। क्यों? हरि अनंता, हरि के अनंत गुण होते हैं, हरि कथा अनंता, जिसके गुण अनंत होते हैं उसकी कथा अनंत होती है। तो आप भी भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा जो आपका है, वो खुद का मकान है, उसकी आप चिंता करो, उसके साथ में रहो, उसको रिझाओ, उसका सेल्फ रियलाइजेशन करो, उसका इंट्रोस्पेक्शन करो, उसका आत्मनिरीक्षण करो, आत्म परीक्षण करो, आत्म वार्तालाप करो, कुछ भी करो, अपनी चीज के साथ रहो, अपने खुद के मकान में रहो। इसीलिए कहा गया है कि आप जो है कि रहो भीतर, जियो बाहर। ये देखिए, बाहर जीने का मतलब भौतिक जगत, रहो का भीतर का मतलब प्रभु का जगत, आंतरिक जगत। इसका समन्वय करना पड़ेगा। तो मैंने किराए के मकान की बात की है। किराए का मकान मतलब ये शरीर जड़वत है और पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये शरीर को जो दिया है वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिसको हम कॉजल बॉडी और कार्मण शरीर, लिंग शरीर और राग द्वेष का पुतला कुछ भी कहिए, वो सोर्स है इसको देने वाला। जो क्योंकि हर जन्म जन्मांतर के अंदर कार्मण शरीर जाता है, ये स्थूल शरीर जो कि कार्मण शरीर ने दिया है, ये तो किराए का मकान है। जैसे हम किराए के मकान को खाली कर देते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे भीतर विराजमान प्रभु, जिसको कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब कोई भी कपड़ा हमारा जो हम पहनते हैं वो जीर्ण शीर्ण हो जाता, फट जाता है, उस कपड़े को हम फेंक करके नए कपड़ा जो पहन लेते हैं, ठीक उसी तरह से हमारी जो आत्मा भीतर विराजमान है, इस जीर्ण शीर्ण किराए के मकान शरीर को छोड़ करके और वह आयुष्य के अधीन जो है, नया कर्म जो है, वो नया कर्म आयुष्य कर्म के अधीन है, नया शरीर धारण कर लेती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? इसने किराए के मकान को छोड़ दिया और ये किराए का मकान जला दिया जाता है। देखिए कि जब कभी हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है, हमारी सांसें समाप्त हो जाती है, तब हमें डॉक्टर चेकअप करता है, तो डॉक्टर कहता है नाउ इज डेड, इज ए डेड बॉडी। डॉक्टर के अनाउंस करते या श्वास के आना जाना बंद होते ही, नाड़ी चलना जब बंद हो जाती है, तो हम खुद परीक्षण कर लेते हैं कि ये शव बन गया है, डेड बॉडी बन गया है। इसका मतलब ये किराए का मकान है, अब खाली करो। और इसको जो है फिर शमशान में ले जाया जाता है किराए के मकान को, राम नाम सत करके, और समाज के लोग उसको जला देते हैं। और आजकल तो जो फर्नेसेज बनी हुई, इलेक्ट्रिक फर्नेसेज है शमशान में, पहले लकड़ियों में तो आधा पौन घंटा लोग बैठते थे, सत्संग करते थे, और उनमें मसाणिया वैराग आता था। देखिए कि क्षण भंगूर है जीवन, कभी भी चला जाएगा। जैसे वो लकड़ी में जल रहा है, एक दिन हमें भी जो इसी तरह लकड़ियों में जलना होगा। और वो आत्मनिरीक्षण परीक्षण और अपना इंट्रोस्पेक्शन करते, ध्यान करते और जो है भजन सुनते, लेकिन अब आधा पौन घंटा बैठने की सब प्रथा समाप्त हो गई। आजकल तो क्या है कि फर्नेस के लोगों पर टाइम नहीं है, व्यक्ति बहुत बिजी है। अरे पर उसको बिजी तो पूछो तो सही भाई, बिजी करके आखिर कहां जाएगा? आखिर तो किराया का मकान जला दिया जाएगा। तो बिजी तुम किसमें रहो? बिजी प्रभु चिंतन में रहो, बिजी अपने घर के मकान में रहो। तुम किराए के मकान में बैठे हो और बिजी बिजी कहते हो। तुम तो जो है बारूद के ढेर पर खड़े हो और फिर मैं कह रहा हूं बिजी, अरे वो कभी भी चिंगारी लग गई तो ये भस्म हो जाएगा।
तो इसके बिजी रहने से कोई अर्थ नहीं है। और हम जो ये बिजी कहते हैं, ये हमारा क्या है कि प्रारब्ध है, और ये हमारा जो है वह कहना चाहिए उदय काल है। इसके बिजी रहने से कुछ, ये तो ऑटो मोड से चलता है, ये तो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा मैकेनिकल है, और ये डिस्चार्ज मोड से चलती है, ये तो बैटरी पूर्व जन्म के अंदर हमने जैसे जैसे कॉजेस डाले थे, जैसे जैसे भाव डाले थे, उसी के अनुरूप जो है ये हमारा जीवन जो है वो द्रव्य कर्म के रूप में मिला हुआ है कॉजेस, और जो कॉजेस के कारण जो है ये हमारा जो कहना चाहिए प्रारब्ध और उदय के अधीन है, ये तो ऑटो मोड से जैसा 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 तय करके आए हैं ये चलता रहेगा। तो इस किराए के मकान के अंदर हम प्रतंत्र है, किराए के मकान में नो एडिशन नो अल्टरेशन, एब्सोल्यूट आप प्रतंत्र हो, एक कील भी अतिरिक्त नहीं लगा सकते। तो इसी किराए के मकान के अंदर जो हमारा भोग चल रहा है, जो हमारा आयुष्य हमारा जो चल रहा है, जो है अपने प्रारब्ध और उदय चल रहा है, और उसमें एक भी अतिरिक्त सांस लेने की आपको स्वतंत्रता नहीं है। आयुष्य के अधीन जितनी श्वासों की संख्या बनी है उतनी ले सकते हो, हमारा ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो फिर भी हम जो कहते हैं हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ये सारा अगर मान लो आप अच्छा कार्य कर रहे हो, धार्मिक कार्य कर रहे हो और अच्छा कार्य कर रहे हो, मान लिया रिलेटिव पुरुषार्थ है, पर वो रिलेटिव पुरुषार्थ से क्या होगा? उस रिलेटिव पुरुषार्थ आपने मान लिया है, किराए के मकान को आपने मान लिया, ये तो अज्ञान है, और अज्ञान ही दुख का कारण है, और अज्ञान के कारण तो फिर नए कर्मों का बंधन होगा, क्योंकि आपने इसको कर्ता भाव समझ लिया कि मैं करने वाला हूँ। जो है आप जो है जिंदगी भर करते हो, मैं डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, मैंने बच्चों को पाला, मैंने मकान बनाया, मैंने इतनी बड़ी फैक्ट्री करी, और मैंने इतना धन इकट्ठा किया। आप कर्ता बनते हो, अपने को कर्ता मानते हो, और दुनिया के दूसरे लोगों को भी कर्ता मानते हो, ये आपका अज्ञान है, ये कर्म बंधन का कारण। आप तो कर्ता हो ही नहीं सकते, कर्ता बनने की किसी भी व्यक्ति में योग्यता नहीं है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, बहुत से संजोग जुटाती है व्यवस्थित शक्ति, हर एक इतने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के उपादान के कितनी कितनी चीजों के संजोग जुटा की, तो आप कैसे कर्ता हो सकते हो? आप तो मात्र एक निमित्त हो, लेकिन अज्ञान के वसीभूत होकर के आपने इस किराए के मकान को कर्ता माना है, और इसको एक दिन खाली करना पड़ेगा, एक दिन इसको जला दिया जाएगा, एक दिन जो है ये जो संजोग आपके सामने कुदरत आज जुटा रही है, आयुष्य संपन्न होते ही ये सारे जो है संजोग जो है वियोग के अंदर जो है बदल जाएंगे, यानी शरीर ये चला जाएगा, नया शरीर धारण होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये अज्ञान है, इस अज्ञान की काराकार को तोड़ो, आप जीवात्मा से अंतरात्मा बनो। अंतरात्मा का मतलब है कि आप किसी सद ज्ञानी पुरुष को ढूंढो, सदगुरु को ढूंढो, गुरु कृपा करके, क्योंकि गुरु जो कौन होता है, गुरु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला, गुरु वो व्यक्ति है जो कि हमारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर करता है, जो हमारे ज्ञान को एक जो है वो दीपक की उपमा दिए, प्रकाश ही ज्ञान है। तो एक घना अंधेरा हो शताब्दियों को और एक छोटा सा जो है मिट्टी का दिया जला दो तो वो अंधकार तिमिर छट जाता है। तो उसी तरीके से हमारा गुरु है हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को वो जो हटा देता है, वो खत्म कर देता है, और खत्म करके उसकी जगह हमें ज्ञान देता है कृपा से। और ज्ञान लेते ही हमारी जो आत्मा जो प्रभु है उसका एक प्रतिनिधि भाव सत्ता के रूप में प्रज्ञा जो है सृजित होती है, बाहर आती है, वो शरीर को कंट्रोल करती है और हम अंतरात्मा बन जाते हैं। पहले हम केवल जीवात्मा थे, मैं और मेरा, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे और मेरा बैंक बैलेंस, मेरी ज्वेलरी, और मैं इतना बड़ा आदमी, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी, मैं इतना विद्वान, इतना प्रवचनकार, और मैं इतना बड़ा साहित्यकार, क्या 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 हम करते रहते हैं। लेकिन वो सारा जो है आपका कर्ता भाव है, वो तो व्यवस्थित शक्ति करा रही है।
अगर व्यवस्थित शक्ति आपने जैसा अर्जन कर रखा है उसके अनुरूप संजोग उसके अनुरूप जुटाएगी, उन संजोगों की वजह से ही आप कार्य कर पा रहे हो। और कई बार आपने देखा होगा, आप बहुत, मान लीजिए उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है और उसके लिए वो खूब प्रयास करता है, जन्म से मृत्यु तक प्रयास करता है और कई फैक्ट्री खोलता है, धंधे करता है, लेकिन उसमें लाभ नहीं होता, वह करोड़पति नहीं बन सकता, क्योंकि उसका उपादान नहीं है, उसका पुण्योदय नहीं है, इसीलिए व्यवस्थित शक्ति उसको संजोग जुटा के नहीं देती है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो पीछे से पुण्योदय लेकर के आया है, वो कोई परिश्रम करता नहीं है, उसको घर बैठे बैठे सारी चीज मिल जाती है, वो कोई भी जो है उसने प्लॉट खरीद लिया, मान लो पैसा उसके पास है और उसको इन्वेस्ट कर दिया, वो जो है वो हजारों का करोड़ों रुपयों का बन गया, अपने आप उसमें उसको फायदा हो गया, उसका पुण्योदय फायदा करवा रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जैसा अर्जन करके आते हैं, चार्ज होता है, उसके अनुरूप डिस्चार्ज होता है, तो वो हमारा कोई जो है वो पुरुषार्थ नहीं है। और मान भी लो कि कुछ ऐसा होता है कि हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कि भगवान ने जो बताया, मन वचन काया से जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रखने वज्र जो है रचने वाला नहीं है और वह सब व्यवस्थित है, और ये मन वचन काया की जो बैटरियां खुलती रहती है, ये सब जड़ है और ये जड़ है, टेम्परेरी है, ये नाशवान है, तो ये तो हमारा भुगतान है, जो हम पीछे से डेबिट क्रेडिट लेके आए हैं उसके अनुरूप भुगतान हमको करना पड़ेगा, उसके लिए हमको साधन मिला है, तो ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, आप प्रतंत्र हो तो इसमें क्यों समय लगाते हो। तो मैं अब जो किराए के मकान से घर के मकान में आता हूं, किराए के मकान की बहुत बात कर ली मैंने, तो अब घर के मकान की बात करता हूं, तो आप घर के मकान में आ जाइए। घर के मकान में रहना रियल पुरुषार्थ है, और वो रियल पुरुषार्थ की आपने नींव लगाई है, तो रियल पुरुषार्थ क्या होगा कि हम जितनी रिलेटिव पुरुषार्थ की बातें मन वचन की शुद्ध प्रवृत्ति से करेंगे, तो उसके हमारे शुभ भाव से पुण्य का उदय होगा, उस पुण्य के उदय को भुगतने के लिए हमें मनुष्य गति या देव गति में घूमना पड़ेगा। अगर हमारे पुण्य ज्यादा इकट्ठे, अगर हम देव गति के अंदर चले गए, तो देव गति के अंदर जो उनकी आयु होती है मिनिमम 10,000 और अधिकतम 33 आग्रोपम है, तो इतना बड़ा समय आपको वहां लगाना पड़ेगा, तो मुक्ति के हिसाब से वो समय आपने वेस्ट किया है, लेकिन आपने रियल पुरुषार्थ कर लिया, जो कि हमारे सनातन सत्य का उद्देश्य है। रियल का पुरुषार्थ का मतलब नो वाया मीडिया, मन वचन काया के वाया मीडिया की जरूरत नहीं है, जो आपके ज्ञान लेने से जो भाव सत्ता खड़ी होती, प्रज्ञा के साम्राज्य में आ जाइए, क्योंकि हमारी मूल आत्मा है वो तो अक्रिया है, न तो वो बोलती है न चालती है और न कुछ कार्य करती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस से ही सब कुछ होता है, अगर वो ना हो तो इतनी बातें नहीं होती है और कुछ भी नहीं होता, जीरो है, वो है तो 100% है। तो ज्ञान लेने के बाद जो प्रज्ञा का जो जगत है वह हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। प्रज्ञा भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम देख रहे हो, देखते रहिए, हमको फीडबैक भी मिल रहा है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जब श्रोता और वक्ता के बीच में तादात्म्य तारतम्य बन जाता है तो मालूम नहीं रहता है कि आधा घंटा का समय कैसे चल गया, 5 मिनट ही हुआ, हमको और सुनना है, ये अच्छा संकेत है। और हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम तो आपके जीवन निर्माण का कार्यक्रम है, आपको मुक्ति में ले जाने वाला कार्यक्रम है, उसकी नींव लगाता है, सनातन सत्य कार्यक्रम मुक्ति की नींव लगाता है, तो क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, आपके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना।